हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ चपली कबाब की रेसिपी। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम मटन लिया है, वो भी बिगर फैट के लिया है। तो चलो इसे बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है इसमें। यहाँ पर मसाले पाउडर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अक्की धनिया, सूखी मिर्च और जीरा और काली मिर्च, इन चारों को मैंने अच्छे से भून कर दरदरा पीस दिया। उसी में मैंने चाट मसाला और गरम मसाला भी ऐड कर दिया है। तो इन सभी को डालकर अच्छे से मिला देंगे। और फिर इसमें एक बारीक कटा प्याज ऐड कर देंगे, वो भी अच्छे से उसका पानी निकाल देंगे, फिर डालेंगे। और यहाँ पर धनिया के पत्ते और हरी मिर्च ये भी काट कर डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने एक बारीक कटा टमाटर भी ऐड कर दिया है। और यहाँ पर साथ अनुसार नमक डाल देंगे। और यहाँ पर आधा नींबू जूस डाल देंगे। उसी के साथ में एक अंडा डाल देंगे, यानी कि एक डाल देंगे। और यहाँ पर एक चम्मच बेसन भी ऐड कर देंगे। बेसन की जगह पे आप चाहो तो गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं, या क्रॉर्न फ्लोर यानी मक्के का आटा भी डाल सकते हो। सभी को अच्छे से मिला देंगे। तो अच्छे से इसे मिलाकर 30 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। तो यहाँ पर 30 मिनट हो चुके हैं, तो इसे हम बनाने की तैयारी करेंगे। तो आप जितना बड़ा बनाना चाहते हो उस हिसाब से आप लीजिएगा, और इस तरीके से इसे राउंड सा शेप देते हुए अच्छे से बना लेंगे। अपने हिसाब से इसे बड़ा छोटा जैसा चाहो बना सकते हो। मैंने इसे मीडियम ही बनाया है। तो इस तरीके से बना लेंगे। तरीके से सभी को बना लेंगे, तब इसे फ्राई करने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर ऑयल को अच्छे से कढ़ाई में गर्म होने देंगे, उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे और यहाँ पर अपना कबाब ऐड कर देंगे। इसे मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करेंगे। तो इसी तरह से दूसरा भी डाल देंगे। कम से कम 10 मिनट तक इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे पलट कर। तो इसे पलट कर दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं, इसमें गोल्डन सा कलर भी आ चुका है। तो सभी को निकाल लेंगे एक प्लेट में।
से दूसरे भी सभी को फ्राई कर लेंगे। तो तैयार हो चुके हैं हमारे कबाब, तो इसे आप ग्रीन चटनी के साथ में खाए, बहुत ही अच्छे और टेस्टी लगते हैं। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलती रहूँगी इसी तरह में और कोई नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।